तरह एक और वीक आ चुका है जहां आप वैरायटी ऑफ जॉनर्स एंजॉय कर सकते हैं ओटीटी पर। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से लगी है आपके फेवरेट कंटेंट की भरमार। वेल, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो या फिर अमेजॉन प्राइम वीडियोज या फिर आपका फेवरेट नेटफ्लिक्स, हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसी ऐसी फिल्म्स और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं जिन्हें देखने के लिए आप बेशक काफी टाइम से एक्साइटेड होंगे। वेल, इस लिस्ट में कई सारी ऐसी फिल्म्स के नाम हैं जो थिएटर में धमाल मचा चुकी हैं और अब ओटीटी की बारी है। आपको बता दें कि इस बार आपको एक्शन, ड्रामा, रोमांस, मिस्ट्री सब देखने मिलने वाला है। तो भाई, अगर आप भी हैं इनमें से किसी जॉनर के दीवाने तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी फेवरेट फिल्म या फिर आपका पसंदीदा जॉनर कब आपको देखने मिल सकता है। वेल, लिस्ट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड। वेल, बाहुबली के दो पार्ट हम ऑलरेडी थिएटर्स में देख चुके हैं, बाहुबली द बिगनिंग एंड बाहुबली द कंक्लूजन, और फिल्म्स ने इतनी ज्यादा कमाई की थी कि अभी तक उस फिल्म का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। इनफैक्ट SS राजामौली को भी बाहुबली इतनी पसंद आई कि उन्होंने बाहुबली का एक एनिमेटेड वर्जन क्रिएट किया है। जी हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड या हम कहें कि बाहुबली फिल्म का एक एनिमेटेड वर्जन रिलीज हो चुका है, वो भी 17 मई को। जी हाँ, फ्राइडे 17 मई को बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। तो एक बार फिर से आपको अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव के बीच की मजेदार फाइट्स और कहानियां देखने मिलेंगी। अगला नाम आता है द एट शो का। वेल, इसका टीजर काफी कमाल का था। साउथ कोरिया की एक डार्क कॉमेडी सीरीज है ये, जो सच में कमाल की है। मतलब इतनी माइंड ब्लोइंग सीरीज है कि अगर आप इसे देखेंगे तो आप सच में काफी ज्यादा थ्रिल फील करेंगे। बात करें कहानी की तो भाई, कहानी जो है वो व्यूअर्स को एक इंटेंस जर्नी पर ले जाती है जहां 8 अलग अलग लोगों की कहानी आपको देखने मिलेगी। एक ऐसी इंटेंस जर्नी जहां पर थ्रिल भी है, जहां पर डार्क कॉमेडी भी है और सच में काफी सारा सस्पेंस भी है। वेल, ह्यूमन डेस्परेशन को बढ़ाती है ये कहानी। अगर आप इसे देखना शुरू करेंगे तो आप इसको एंड तक देखकर ही मानेंगे, ये मैं कह सकती हूँ। बात करें इस सीरीज की रिलीज डेट की तो नेटफ्लिक्स पर 17 मई फ्राइडे को ये रिलीज हो चुकी है। अगला नाम आता है अदर शर्मा स्टारर बस्तर द नेक्सल स्टोरी। वेल, सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल की डायरेक्टोरियल फिल्म बस्तर द नेक्सल स्टोरी थिएटर में कमाल कर चुकी है। दरअसल ये कहानी घूमती है छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में होने वाले नक्सलिज्म पर, जहां पर अदा शर्मा ने रोल प्ले किया है एक पुलिस इंस्पेक्टर का। IPS ऑफिसर नीरजा माधवन का रोल प्ले करती नजर आई हैं अदा शर्मा। और केरला स्टोरी के बाद नक्सल स्टोरी में सच में उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सच में काफी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। आपको बता दें, अदा शर्मा के अलावा इस फिल्म में इंदिरा तिवारी, शिल्पा शुक्ला, रायमा सेन जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे। अगला नाम है थलाईमई सियालगम का। वेल, जब इसका ट्रेलर आया तो सच में हैरान रह गए लोग, और लोग चाहते हैं कि ये फिल्म तमिल तेलुगु में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी रिलीज हो। जी हाँ, सही सुना आपने, अभी फिलहाल ये फिल्म तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। साउथ इंडस्ट्री के अंदर एक चीज हम कह सकते हैं कि भाई, उन्होंने अपने सिनेमा में काफी ज्यादा इनोवेशन किया है और ये फिल्म उसी का एक अजूबा है। दरअसल वसंत बालन की डायरेक्टोरियल फिल्म थलमई सेलगम, जिसमें आपको नजर आएंगे श्रेया रेड्डी, ये एक तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म है। स्टोरी आसपास घूमती है CM के करप्शन ट्रायल्स पर, और ये ड्रामा आपको ले चलता है सीधा झारखंड मर्डर्स और किलिंग्स तक। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, फिल्म की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप सच में शुरू से एंड तक एक बार भी कहीं भी आप बोर फील नहीं करेंगे। बात करें रिलीज डेट की तो Z5 पर 17 मई यानी कि फ्राइडे को ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। अगला नाम आता है क्रैश का। वेल, ये एक कोरियन ड्रामा है, काफी ज्यादा एक्साइटिंग कहानी है। किस तरह से ये लोग एक जर्नी पे निकलते हैं और वहाँ किस तरह से इनकी कहानी आसपास एक दूसरे की घूमती है, वो सच में इंटरेस्टिंग है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है जहाँ पर वायलेंट क्राइम्स होते हैं और सारे क्राइम्स जो हैं वो रोड पर दिखाए गए हैं। अगर स्टारकास्ट की बात करें तो के ड्रामा के काफ़ी फेमस एक्टर्स यहाँ नजर आएंगे। बात करूँ मैं इसकी रिलीज डेट की तो दरअसल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हर वीक मंडे और ट्यूसडे को इसका एक एपिसोड रिलीज कर दिया जाता है। 3 दिन पहले इसका नया एपिसोड आया है और अभी आपको आने वाले एपिसोड्स का वेट करना पड़ेगा। तो अभी जब तक जो हो चुके हैं वो आप इंजॉय कर लीजिए। अगला नाम आता है मडगांव एक्सप्रेस का।
मडगांव एक्सप्रेस कुणाल खेमू की डायरेक्टोरियल फिल्म है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू जो काफ़ी सारी फिल्म में नजर आए हैं, ये फिल्म उनकी डायरेक्टोरियल फिल्म है जिस फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के अंदर प्रतीक गांधी आपको नजर आएंगे, इस फिल्म के अंदर आपको देवेंदु शर्मा नजर आएंगे और सच में दोनों की एक्टिंग ने ना दिल जीत लिया सच में। और यहाँ पर एक बात मैं कह सकती हूँ कि ये फिल्म आपको आपके बचपन की दुनिया में ले जाएगी। फुल ऑन कॉमेडी, फुल ऑन मज़ेदार कहानी। अविनाश तिवारी, प्रतीक गांधी और दिव्येंदु की जो ये कहानी है आपको नो डाउट बोर नहीं करेगी। बात करें इसकी रिलीज डेट की तो अमेजॉन प्राइम वीडियोज पर ये फिल्म 17 मई यानी कि फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है। लास्ट नाम है जरा हटके जरा बचके का। वही विकी कौशल और सारा अली खान स्टारर ये फिल्म थिएटर्स में बहुत पहले रिलीज हुई थी। फिल्म ने सच में कमाल कर दिया था। विकी कौशल और सारा अली खान की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी, दोनों ने सच में कमाल का काम किया था। ये एक लव स्टोरी है जिस तरह से शुरू होती है, डिवोर्स तक कैसे पहुंच जाती है, फैमिली ड्रामा है, अच्छी खासी फिल्म है, आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अब ये कहानी थिएटर्स के बाद OTT पर तहलका मचाने वाली है। दरअसल 17 मई फ्राइडे को इस फिल्म को जियो सिनेमा पर रिलीज कर दिया गया है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इस वीकेंड आपके पास काफी सारा कॉन्टेंट है, आपको एक्शन देखना है, आपको रोमांस देखना है, आपको कॉमेडी देखनी है या फिर आपको फैमिली ड्रामा देखना है, आपके पास हर चीज के ऑप्शंस हैं। तो भाई वेट किस बात का कर रहे हैं, उठाइए सभी अपनी OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन और अगर वो खत्म हो गए हैं तो उन्हें रिन्यू कर लीजिए और फिर देखिए इन सभी फिल्म्स और वेब सीरीज को। वेल, आप किस फिल्म और वेब सीरीज के लिए एक्साइटेड है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।